टीम प्लेयर कैसे बनते हैं, कभी सोचा है? आप अगर एक टीम प्लेयर बन गए तो लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो अब टीम प्लेयर कैसे बनोगे? एक सही तरह का माइंडसेट। वो माइंडसेट कैसे बनता है? जितना आपका फोकस लर्निंग पे होगा, आप उतने ही तगड़े टीम प्लेयर हो, क्योंकि वो आदमी हमेशा हम्बल होगा, कभी भी देख लेना। जिसका अर्निंग पे होगा और उसने अगर पैसा कमा लिया जितना वो सोच रहा था, तो कैसे लोगों से बात करेगा? ईगो आ गई। जिसमें ईगो आ गई, समझ जाओ वो टीम प्लेयर नहीं है। ईगो का मतलब क्या? कि मैं ये हूं, इस वजह से मुझे इतना पैसा मिल रहा है। समझ गए? वो आदमी मरा, वो अपने आप को और उसे बेटर समझने लग जाएगा। जबकि जिसका एटीट्यूड हमेशा लर्निंग का होगा और बारीकी से लर्निंग का होगा, वो ये समझ जाएगा कि ना मैं किसी से बेटर हूं, ना मैं किसी से कम हूं। मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो औरों में नहीं है, और औरों में कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो मुझ में नहीं है। मुझे उनसे कुछ सीखना है, और अगर वो सीखना चाहते हैं तो मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। जबरदस्ती नहीं, अगर कुछ सीखना चाहते हैं। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, लोग जबरदस्ती किसी को सिखाना चाहते हैं। जिसमें लर्निंग एटीट्यूड होगा, वो हमेशा सबसे, अपने से ऊपर वालों से भी और अपने से नीचे वालों से भी, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं लोगों को। खुद गलती भी कर देगा, यानी कि अगर अपने से जो नीचे जो लोग हैं कंपनी में, उनको कभी गलत तरीके से बात करी, तो उसको खुद को रियलाइज होगा कि नहीं, मैंने गलत किया, क्योंकि वो सीख रहा है। वो अपनी ईगो में नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। किसी पियोन से भी गलत तरीके से बात करी, क्योंकि उसका लर्निंग एटीट्यूड है, तो उसको इमीडिएटली रियलाइज होगा कि मैंने कुछ गलत किया है। वो जा करके बैठ करके अपनी उस गलती को सुधार लेगा। तो ऐसे लोग सबको अच्छे लगेंगे, जो गलती करते हैं अपनी गलती को सुधार लेते हैं। गलतियां तो सभी करते हैं ना। आप किसी से माफी मांग रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं जाकर के माफी मांग रही हूं, ये सोचो कि मैं माफी मांगना सीख रही हूं। आई एम लर्निंग हाउ टू जेन्युइनली आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आपको आज नहीं तो कल सीखनी पड़ेगी। स्पेशली शादी होगी उसके बाद तो बहुत जरूरत पड़ेगी। जरूर नहीं आप जाकर के माफी मांगो या बड़ा एक ड्रामेटिक सा सीन क्रिएट करो कि भाई मुझे माफ कर दो। ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट यू शुड फील कि मैंने कुछ गलत किया है, तो आराम से जाकर के बैठ करके उस बंदे से बात भी कर लोगे तो बहुत है, वो माफी ही है। धीरे धीरे अपनी हैबिट्स में इन बातों को उतार दिया तो लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाएगी। देन लाइफ विल बी लाइक एन एडवेंचर। एडवेंचर स्पोर्ट्स सबको पसंद है। एडवेंचर स्पोर्ट्स कोई ऐसा है जिसको नहीं पसंद है? मजा आता है ना। हाँ, हर एक का लेवल अलग अलग है। किसी के लिए एडवेंचर मतलब वो ऊंच नीच का पापड़ा या स्टेपू, किसी के लिए बंजी जंपिंग। डेफिनेशन अलग अलग है, बट एडवेंचर सबको अच्छा लगता है, खेल सबको अच्छा लगता है। लाइफ को मजेदार बनाओ, डर को निकाल दो, बिल्कुल पूरी तरह से निकाल दो। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। करने दो ना, वो तो मेरे भी करते हैं। बस फर्क है, पहले नेगेटिवली कंपेयर करते थे, कुछ कर ले कुछ कर ले, अब पॉजिटिवली कंपेयर करते हैं कि मेरा बेटा देखो क्या कर रहा है। मैं दोनों में मस्त रहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई आता है तो उसके आगे मेरी डींगे मारते रहते हैं। अरे संदीप तो अब ये हो गया है, वो हो गया। मेरे दोनों फन है, मुझे ना तब फर्क पड़ता था ना अभी फर्क पड़ता है। डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। मुझे सिर्फ सीखने पे फोकस रखना है। सीखने के लिए बहुत कुछ है इस दुनिया में, और जिंदगी बहुत छोटी है। लोग मुझसे पूछते हैं सर हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। अरे कुछ भी करो। आप तो परफेक्ट हो, क्या किया आपने अभी अपनी लाइफ में? सोचने वाली बात है, आपने भी किया ही क्या है, है कि नहीं? अब मुझसे पूछोगे कि भाई आपके लिए करने के लिए क्या है, तो मुझे फिर भी एक बार सोचना पड़ेगा। मैं कहूंगा हाँ मैंने ये सब तो कर लिया, अब क्या रह गया करने को? तो फिर भी मैं सोच करके आपको बोलूंगा कि हाँ ये 50 चीजें रहेंगी। आपके पास तो लाखों चीजें हैं, कुछ ना कुछ करते रहो। दिमाग ये लगाओ कि कैसे मैं अपने आप को बेटर बनाऊं, कल से बेटर हुआ मैं, हाँ हुआ, बढ़िया है। कल से मैं और ज्यादा मैच्योर हुआ, कल से मैं और ज्यादा वाइज हुआ, कल से मैं और ज्यादा स्ट्रांग हुआ अंदर से। क्या मैं प्रॉब्लम्स को फेस कर पा रहा हूं? बढ़िया है। तो सर इसका मतलब जो कंपटीशन है वो अपने आप से करो बस।
यही एक चीज है जिसको हमको समझना है। अपने आप से कॉम्पीट करते चले जाओ, वहां पे कोई रिस्क नहीं है। हारे तब भी आपकी जीत है, जीते तब भी आपकी जीत है, हार है ही नहीं ना। यू कैन नॉट लूज इन दैट गेम, यू कैन नेवर लूज। जीत ही जीत है हर तरफ से, अपने आप से कॉम्पीट करो। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया आपको बोल रही होगी कि यार ये तो बस कुछ कमाल का कर गया बंदा,